दोस्तों देखिए, एक लेटेस्ट मॉडल है, एंड्रॉयड मदरबोर्ड है 32 इंच का। 40 में भी ये सेट में आता है, 32 में भी आता है। और ये देखिए, इसका जो नंबर है यहाँ पर मेंशन है, आप देख पा रहे होंगे, CV920H-U4U42 इसका नंबर है। और हुआ क्या कि इसका सप्लाई ख़राब था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये हमारे पास टेक्नीशियन के पास से आया है। हुआ क्या कि उन्होंने सप्लाई कोई लगाया था, इस पर STR वाला सप्लाई तो वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसका काफ़ी लोड हो जाएगा। एंड्रॉयड बोर्ड है और बैकलाइट्स भी इसके ऊपर चली हुई है। ओनली बोर्ड के लिए बहुत अच्छा है, वो 24 तक भी अच्छा है, 32 तक चल जाता है। इसका लोड ज़्यादा है तो हमको ये मॉस्फेट वाला सप्लाई लगाना पड़ता है, 5V 24V, ये 5V 24V वाला। हो क्या रहा है कि इसे प्रीसेट आ रहा है। मेरा तरीका है कुछ और है लगाने का, वही आपको क्या करना है कि एक ध्यान रखना है। टेक्नीशियन के हिसाब से उन्होंने एक सप्लाई लगाया था, इस पर सही तरीके से लगाया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या कि सप्लाई में कैपिलर का पिन लूज़ था, जैसे मैं सप्लाई दिखा देता हूँ, ये रहा कैपिलर 817 नंबर, ये वाला, इसका पिन लूज़ था तो उसका सप्लाई कंट्रोल नहीं हुआ और जो आउटपुट का 12V है वो ज़्यादा बन गया। कितना ही बन सकता है, जब तक कैपिलर काम नहीं करेगा तो हो सकता है 18, 20V, 50V तक बन जाए। तो ऐसा ही हुआ, इसमें सप्लाई ज़्यादा चला गया और सेट हो गया डेड। तो हमारे पास आया है तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, सबसे पहला काम क्या है कि आप सप्लाई लगाते समय एक ध्यान रखें, ये सप्लाई को आप जो भी टेस्ट करें पीछे से ख़राब आ सकता है, और जो ये वायर है ब्लू और येलो उल्टा लग सकता है, फिर भी सप्लाई ज़्यादा बनेगा, पीछे से गलत आ जाता है कनेक्शन, उसको ध्यान में रखना है। क्योंकि जो येलो वायर है वो SMPS के पास लगी मिलेगी, जो ब्लू वायर है वो जो ये ट्रांजिस्टर लगा है, एक मिनट में देख लेता हूँ, 431 नंबर IC है, 431 नंबर IC के सेंटर में लगेगी, जो पिन सेंटर में लगी वो ग्राउंड की होगी, जो SMPS पे डायरेक्ट लगेगी वो पॉजिटिव की होगी, इसको भी ध्यान करके लगाना है। तो काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, जैसे एक आप कोई भी पुराना बोर्ड ले लीजिए, LG का हो, सप्लाई हो कोई भी पुराना जो ख़राब हो, उस पर लगा के पहले आप सप्लाई बना लीजिए 12V, फिर इस पर आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एंड्रॉयड बोर्ड है, इसको बनाना एक नामुमकिन जैसा हो जाता है। और आप क्या कीजिए, पुराना किट हो TV का उस पर भी आप चेक कर सकते हैं, इसको पहले टेस्ट कीजिए, कम या ज़्यादा बने कोई दिक्कत नहीं, इसको 12V पर सेट करके उसके बाद में ही आप बोर्ड पर अप्लाई कीजिए। मैं क्या करता हूँ, प्रीसेट की बजाय मैं इसको प्रीसेट को निकाल ही देता हूँ, प्रीसेट को मैं कभी यूज़ करता हूँ, और इसकी जगह पे ये रिस्टेंस यूज़ करता हूँ, जो आप देख पा रहे हैं 2.7K 2.7K, इसको निकाल कर 2.7K सीरीज में लगानी, दो हमको यहाँ पर वैल्यू देना है 5.4K, ये बन गया 2.7K प्लस 2.7K 5.4K। यहाँ पर लगाने से आपको सीधा ही 12V आगे मिलेगी, जिसको आपको किसी ओल्ड बोर्ड पर चेक करना है, सप्लाई क्लियर होने के बाद ही आपको इस पर अप्लाई करना है। हुआ क्या है देखिए, तो सप्लाई मैं इसको एक बार चला लेता हूँ, मैंने सप्लाई तो अप्लाई कर दिया है, लेकिन सेट में यहाँ पर कोई लाइट इंडिकेटर वगैरह नहीं चला, इसका कारण क्या है, जितनी भी जगह पर 12V था, हो सकता है इसका साउंड IC भी उड़ गया हो, क्योंकि 12V भी साउंड IC चलता है, यदि सप्लाई 15 या 20 के आसपास गया होगा तो IC बच भी सकता है, ज़्यादा वोल्टेज गया होगा तो IC भी उड़ा मिलेगा, उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहला काम है मेरा इसको स्टैंड बाय से रिलीज करने का, एक कोशिश करते हैं, हो सकता है रिपेयर हो जाए। देखिए, जितने भी रेगुलेटर हैं यहाँ पर लिखा है 5R7, यहाँ पर आएगा 5V, और जितने भी 2R2 है, 2R2 है, 2R2 है, इन पर सप्लाई कम आएगा, 1.5, 1.2 या 1.1 ऐसे करके आएगा, 3.3V। तो जितने भी रेगुलेटर पर सप्लाई 12V आएगा उतने ही उड़ गए हैं। तो मैं चेक कर चुका हूँ, यहाँ पर सप्लाई आएगा 1.1 या 2, उसको चार्ट मेरे पास अवेलेबल है इसका, यदि आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दूँगा। यहाँ पर देखिए है 1.2V जो आएगा, ये आएगा 12V से, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज 12V आया हुआ है, मतलब ये भी ख़राब है, ये देखिए, ठीक है, और यहाँ पर आउट होगा 1.2V, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ख़राब है। जो 5R7 है यहाँ पर 5V आना चाहिए, कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी 5V जो आएगा 12V से आएगा, जो यहाँ पर इस PF पर 12V आ रहा है, देखिए, मतलब 12V तो बन गया, सप्लाई बिल्कुल ओके है। 12V से आगे जितना सप्लाई बनेगा वो 5V से बनेगा, या 12V से डायरेक्ट 1.2V बनेगा, बाकी जितना सप्लाई है सारा ही 3.3V बनेगा, 1.5V या 1.1V जो बनेगा, यहाँ पर चार्ट में देखना पड़ेगा कितना है, ये 3.3V बनेगा, ये वहाँ पर 1.8V बनेगा, सब 5V से बनेगा। तो आपको करना क्या है, इनकी दोनों की जगह पे, ये तो बाद में यूज़ करेंगे हम,
सबसे पहले 5 वोल्ट हम देंगे ताकि बाढ़ में बोर्ड में इंडिकेटर आ सके और बाकी का बोर्ड चेक हो सके कि इसमें क्या क्या ख़राब, क्या क्या इसमें कहाँ कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों देखिए, मैंने बक कन्वर्टर को यूज़ किया है 5 वोल्ट यहाँ पर बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने इसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगी, बाद में देखेंगे। तो पहले मैंने 5 वोल्ट दिया, इसको बना के 5 वोल्ट चला गया, यहाँ पर सप्लाई बन गया। स्टैंड बाय से रिलीज होने के बाद यहाँ पर सप्लाई बन रहा है 1.5 वोल्ट। ये 3.3 वोल्ट पहले ही बन जाता है, लेकिन जब सप्लाई स्टैंड बाय की आई तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट नहीं आता, बाद में आता है। मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। इसके लगाने के बाद 5 वोल्ट के बाद सारा सर्किट यहाँ पर चल गया, मतलब कहने का। लेकिन इसमें लाइट पहली बार वायर लगाई तो नहीं आई, दूसरी बार लगाई तो हल्का सा चला, मतलब वो लाइट नहीं आई जिससे कि स्टैंड बाय हो पाए। मतलब कहने का, ये जो वोल्टेज यहाँ पर दी गई है, ये वाला बक कन्वर्टर जो यहाँ पर लगा है ये उड़ गया है। तो यहाँ पर सप्लाई आएगी 1 वोल्ट, सिर्फ 1 वोल्ट। और इस बक कन्वर्टर में आप देखोगे यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, इसमें 1 वोल्ट आपको नहीं मिलेगा। देखिए सबसे पहले आप जंपर करोगे ऊपर वाला, यहाँ पर अच्छे से मेंशन है 5 वोल्ट आएगा इसको जंपर करो, 3.3 वोल्ट आएगा इसको जंपर करोगे, 2.5 आएगा इसको जंपर करो, 1.8 इसको जंपर करो, 1.5। और जो डिफ़ॉल्ट वोल्टेज आ रही है, इसके पीछे लिखा होगा एक मिनट, जो डिफ़ॉल्ट वोल्टेज है यहाँ पर लिखा है, देखिए डिफ़ॉल्ट वोल्टेज है 1.25। हमको चाहिए यहाँ पर 1 वोल्ट, सिर्फ 1 वोल्ट। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो वोल्टेज है 1.25 भी ज़्यादा है, इससे हमारे मेन चिप को ख़राब होने के चांसेस हैं। मतलब 1.525 ज़्यादा है, हमको 1 वोल्ट बनाना है। इसके लिए तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये इसको मॉडिफाई करके हम कई तरह की सप्लाई से बना सकते हैं। इसमें 5 सप्लाई दे रखा है, आप चाहते तो इसे काफ़ी मैक्सिमम 10 सप्लाई भी अलग से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 वोल्ट बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा, जो प्रिंट 2.5 वोल्ट का मैं साफ कर लेता हूँ इसको। जो जंपर 2.5 वोल्ट बनाने के लिए जंपर को इसको जोड़ना है, वहाँ पर आईसी की तरफ वाले प्रिंट को आपको आउट से जोड़ देना है, जैसे मैंने जोड़ा है। देखिए आउट से 2.5 वोल्ट के जंपर को जोड़ देना है, आपका यहाँ पर जो आउट होगा 1.25 की बजाय सिर्फ 1 वोल्ट ही आउट होगा, जैसा मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और जब मैंने यहाँ पर 1 वोल्ट दिया और यहाँ पर 5 वोल्ट पहले ही दे रखा है, 1 वोल्ट देते ही हमारा सेट चालू हो गया है, स्टैंड बाय सीरीज भी हो गया। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, देखिए स्टैंड बाय का लाइट आ चुका है। मैं इसको एक बार ऑन होने देता हूँ, ऑटोमेटिक ये स्टैंड बाय सीरीज हो जाता है। मैं आपको एक बार देख लेता हूँ इसको, और उसके बाद जो सप्लाई बनेगी स्टैंड बाय सीरीज होने के बाद कहाँ पर कितना वोल्टेज बनेगा, स्टैंड बाय सीरीज नहीं हो, मुझे करना पड़ेगा इसको सेट। स्टैंड बाय सीरीज आपके सामने हो चुका है, बैक लाइट्स वहाँ पर आपको दिख रही है, जल गई है, सेट ऑन हो चुका है। पैनल की वोल्टेज है जो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 12 वोल्ट प्रेजेंट हो चुकी है। जो मैंने कहा कि इसको मॉडिफाई करके हमको 1.25 की जगह 1 वोल्ट देना है, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। मैं इसको एक बार आपको चेक करवा देता हूँ, यहाँ पर जो आउट वोल्टेज हुई है 1 वोल्ट, वो बिल्कुल प्रॉपर है। देखिए 1.25 वोल्ट ज़्यादा है, जिससे हमारा चिप हीट हो सकता है और कुछ टाइम चलने के बाद वो हमारा उड़ भी सकता है। तो यहाँ पर 1 वोल्ट बिल्कुल अच्छे से बना के देना है, जिसके लिए आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। 1 वोल्ट बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट है, जो 5 वोल्ट दिया है वो अच्छे से प्रेजेंट है, आप देख पा रहे हैं। जो रेगुलेटर पर सप्लाई आएगा वो देखिए 3.3 वोल्ट है इस रेगुलेटर पर, और जो सेकंड वाला रेगुलेटर है यहाँ पर, वहाँ पर 1.8 वोल्ट प्रेजेंट है। जो छोटे यहाँ पर बक कन्वर्टर लगे हैं वहाँ पर वोल्टेज जो मिल रहा है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलेगा पहले वाले पर, पहली कॉइल पर ये देखिए प्रेजेंट है। और जो दूसरे वाली कॉइल है वहाँ पर मिलेगा 1.5 वोल्ट, ये सेकंड वाली कॉइल पर, ये देखिए इस तरह से इस बोर्ड में सप्लाई आएंगे। सप्लाई की डिटेल मैंने इसमें ऐड की है, ताकि आपको, आपके पास इस तरह बोर्ड रिपेयर के लिए आए तो आपको उसके बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप उसको अच्छे से रिपेयर कर पाएँ। और सप्लाई को इस तरह से मॉडिफाई करके काफ़ी चांस है कि दोबारा उड़ेगा नहीं, और होगा तो बिल्कुल नहीं उड़ेगा, उड़ेगा तो खुद उड़ जाएगा, लेकिन हमारे बोर्ड को कोई भी इससे नुकसान नहीं होने वाला। सेट ऑन में आगे से आपको एक बार डिस्प्ले दिखा देता हूँ। तो देखिए एक बार सेट को आपको ऑन करके भी दिखा देते हैं। देखिए सेट ऑन हो चुका है, स्मार्ट टीवी लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है। देखिए दोस्तों सेट हमारा अच्छे से ऑन हो चुका है।
दोस्तों ये तो हमारा आज का वीडियो, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना और इस तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर देना, क्योंकि इस तरह वीडियो में डालता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।